गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। आज हम पढ़ रहे थे रेशम कीट के जो अंदर लगने वाले रोग हैं उनके बारे में। बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे, वो कह रहे थे सर हिंदी में, तो आज कोशिश की है ये जो क्लास है पूरी आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाने की। चलिए पढ़ते हैं रेशम कीट के अंदर लगने वाले रोग के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से डिजीज़ जो है इसके अंदर लगते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो कि ये क्या है, बेनिफिशियल है। अब बेनिफिशियल है तो इसको नुकसान पहुंचाने वाला तो कोई ना कोई होगा ना, तो अपने उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से वो पेस्ट है या कौन कौन सी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनकी वजह से रेशम कीट के अंदर क्या है डिजीज़ होते हैं और जिससे इसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, या बात करें इसकी पॉपुलेशन वगैरह में क्या आती है, कमी आती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है वो है पेब्राइन, ठीक है, पेब्राइन रोग जो है इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए इसके पैथोजन के बारे में बात करेंगे कि जो ये डिजीज फैलाता है सबसे पहले, तो ये बीमारी किससे फैलती है, एक प्रोटोजोआ से फैलती है जिसका नाम क्या है, नोसेमा बोमेसिस एक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा ये बीमारी होती है। यह एक छूत की बीमारी है। अब छूत की बीमारी का मतलब क्या होता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आम भाषा में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये एक कॉन्टैक्ट डिजीज है। कॉन्टैक्ट डिजीज का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये क्या है उसके संपर्क में आने के, जैसे कि एक कीट जो है ग्रसित हो गया तो उसके संपर्क में जो दूसरा कीट आएगा वो भी क्या होएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये छूत की या फिर संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है, जो संपर्क द्वारा एक से दूसरे कीट में फैलती है। ग्रसित कीटों को पालने, अब देखिए ये जो अफेक्टेड इंसेक्ट्स हैं यानी कि जिनके अंदर डिजीज़ हो गया है, अगर हम उनको पालेंगे या फिर सावधानी नहीं रखेंगे उनको पालते समय, तो क्या होता है ये डिजीज़ आगे फैल जाती है। यही चीज़ है, देखिए ग्रसित कीटों को पालने या ग्रसित अंडों को सहने का मतलब क्या होता है, हैचिंग, है ना, कि जब हैचिंग की जाती है, अगर ये जो यानी कि इससे जो बाहर निकल के आते हैं कैटरपिलर वगैरह उनकी बात कर रहे हैं, तो अगर ग्रसित अंडे जो है अफेक्टेड जो है एग्स होंगे, सीड जिनको बोलते हैं, तो इससे क्या होंगे, ग्रसित लार्वा ही निकलेंगे, तो इसकी वजह से हो सकता है। या फिर शहतूत की पत्तियां जो जिनके ऊपर क्या है, या जो कि स्वस्थ नहीं हो, कहने का मतलब अच्छी शहतूत की पत्तियां नहीं हो, तो ग्रसित औजारों आदि के माध्यम से फैलती है। औजार का मतलब क्या है, वो सारे जो यूज़ करते हैं हम रेयरिंग के दौरान, ठीक है, ट्रे वगैरह। फिर देखिए सिम्टम्स, किसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो देखिए इसके लक्षण रेशम कीट की चारों अवस्थाओं कौन कौन सी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, है ना, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, हिंदी में बोलेंगे तो इसको प्यूपा ही बोलते हैं और इसको प्रौढ़, ठीक है। तो सब में देखा जा सकता है, अंडे संख्या में कम होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, अंडों की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो कम हो जाएगी, यानी कि रेशम कीट की जो फीमेल है उनकी एग लेइंग जो दर है वो कम हो जाएगी रेट। अंडों में चिपचिपे पदार्थ की कमी के कारण ये पेपर से आसानी से अलग हो जाते हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब रेयरिंग करते हैं, रेयरिंग करते समय क्या है, जो ट्रे होती है रेयरिंग, उसके अंदर एक पेपर बिछाते हैं जिसके ऊपर क्या करते हैं, जब इसकी फीमेल्स वगैरह को रखा जाता है, तो वो क्या है, एक पहले सिल्क का है, क्या करती है, एक चिपचिपा जो है पदार्थ सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से एग्स जो है उसके ऊपर चिपके रहते हैं, तो इसके अंदर कमी आ जाएगी, इस जो है ग्लू जो होता है उसकी वजह से क्या है कि ये उस पर प्रॉपर नहीं चिपक पाते और ये क्या है आसानी से अलग हो जाते हैं। इससे प्रकार से भी क्या है, संख्या में कमी, या फिर कहेंगे वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं अंडे, ऐसी दिक्कतें आने लग जाती है। ग्रसित अंडों के आकार तथा वजन में, यानी कि उनका साइज है जो, प्लस उनका वेट जो है, ठीक है, में कमी पाई जाती है तथा हैचिंग परसेंटेज कम हो जाता है, यानी कि जो अंडों से निकलने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है परसेंटेज। जैसे मान लीजिए अगर प्योर है उसमें क्या होगा, 100 अंडे हैं तो उनमें 100 में से 100 कैटरपिलर निकलेगी, लेकिन अगर अफेक्टेड हो गई है उसमें क्या होगा, बहुत सी बार क्या होता है एग से क्या होता है जो है कैटरपिलर बाहर ही नहीं निकल पाता, तो ये भी दिक्कत आती है। प्रभावित लार्वा, अब देखिए इसमें लार्वा में क्या लक्षण आएंगे, प्रभावित लार्वा प्रारंभ में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि स्टार्टिंग में एक दो इंस्टार होते हैं तब तक तो हमें उसमें कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देंगे, उसके बाद क्या होगा, बाद में तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड इंस्टार जो होता है उस तक आते आते उसकी भूख समाप्त हो जाती है, यानी कि अब क्या होगा उसमें स्टारवेशन ही नहीं होगी। स्टारवेशन का मतलब क्या है, उसको भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी तो वो क्या है, रेशम की जो शहतूत की पत्तियां है वो नहीं खाएगा, और वो नहीं खाएगा तो क्या होगा, इसकी लाइफ साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी तो प्यूपा नहीं बनेगा और हमें क्या है सिल्क जो है वो प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। वृद्धि तथा निर्मोचन अनियमित हो जाता है, निर्मोचन का मतलब क्या होता है, मोल्टिंग होती है ना, इसमें चार मोल्टिंग होती है, फाइव स्टार होते हैं, एक मोल्टिंग होने के बाद सेकेंड स्टार आता है, फिर थर्ड
तो उस मोल्टिंग में भी क्या हो जाता है, इरेगुलेशन हो जाता है। प्रत्येक निर्मोचन के बाद लार्वा सिकुड़ता जाता है, यानी कि क्या होगा जैसे जैसे, हालांकि होता क्या है मोल्टिंग के बाद इंसेक्ट का साइज थोड़ा सा ग्रो होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, बढ़ेगा तो सही लेकिन साथ साथ क्या है वो श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है धीरे धीरे। शरीर के ऊपर गहरे बादामी रंग के चिन्ह दिखाई देते हैं। अंत में लार्वा की मृत्यु हो जाती है, और आखिर में क्या होता है, लार्वा की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इससे जो है प्यूपा नहीं बनता। देखिए मरा हुआ लार्वा एंटा हुआ यानी कि क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जो है श्रिंक हो जाता है और कठोर हो जाता है, यानी कि देखने में क्या लगता है हमें, कठोर टाइट महसूस होता है। अब देखिए उसके बाद अगर इसका संक्रमण लास्ट स्टेज में हो, पांचवी अवस्था में, तभी तो होता है ना, इसी अवस्था में तो सिल्क बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद प्यूपा बनता है। तो प्यूपा बनते समय अब क्या होगा, देखिए प्यूपा बनते समय वे खुले हुए, यानी कि या तो क्या होगा, मान लीजिए ये प्यूपा बन रहा है ना, तो ये एक तरफ से यहाँ से क्या होगा ओपन रह जाएंगे, खुले हुए रह जाएंगे, या तो ठीक है उन पर काले धब्बे बन जाते हैं, और उनसे निकलने वाले वयस्क यानी कि जो एडल्ट्स हैं या फिर प्रौढ कीट जो हैं के पंख पूरी तरह नहीं खुलते, विंग्स जो है वो अच्छी तरह स्प्रेड नहीं होते, नहीं खुल पाते, तो वो दिक्कतें आती है उनको फ्लाई करने में, तथा गिर जाते हैं और बाद में क्या है अलग हो जाते हैं, मादा कीट अंडे कम देती है, ये तो बात हमने कर ही ली। तो ये सारे क्या इसके सिम्टम हैं कि अगर ये बीमारी होगी है पेब्राइन इस प्रोटोजोआ की वजह से, तो उसके क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए इसके नियंत्रण की बात करें, तो सबसे पहले तो क्या है, बीमारी रहित अंडे तथा मादा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो है ऐसे सीड्स का हमें जो है यूज़ करना चाहिए जिनमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं हो, कोई भी संक्रमण नहीं हो। कीट पालने के कमरे यानी कि जो रेयरिंग जो हम बनाते हैं रेयरिंग के लिए जो स्थान होता है इनका, वो प्लस कोकुनेज जो होता है, प्रयोग होने वाले यंत्र आदि रोगाणु रहित कर लेने चाहिए, इन सब को क्या है निर्जमीकृत कर लेना चाहिए। ग्रसित कीटों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, जो अफेक्टेड हो गए हैं अब उनसे आगे डिजीज नहीं फैले, इसलिए क्या करते हैं उनको बर्न करके जला के नष्ट कर देते हैं। या फिर क्या है अंडों उपकरणों तथा कमरे आदि को 2% जो फार्मेलिन का घोल होता है उससे उपचारित करने से भी क्या है इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। सेकेंड डिजीज देखिए सेकेंड है फ्लैचरी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए अलग अलग मत है, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जबकि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये क्या है एक फिजियोलॉजिकल डिजीज है। फिजियोलॉजिकल यानी कि एक कायिक विकार है जो किसी न किसी तत्व की कमी की वजह से क्या है उस इंसेक्ट के अंदर हो जाता है, लेकिन बहुत से जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च ये कहती है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्या है जीवाणु से होता है। तो देखिए यह मुख्यतः बैक्टीरिया जनित बीमारी है, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि यह एक कायिक विकार है यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ये है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट अगर देखें हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, ठीक है जीवाणु जनित है ये क्या है, फ्लेचरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये स्ट्रेप्टोकोक्सी कोलेरोजिनस जो बैक्टीरिया है, या फिर प्रोटियस ग्रुप बेसिली जो जीवाणु है उसकी विभिन्न जातियों द्वारा, इसके अलग अलग स्पीशीज जो होती है उसके द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है हैजे की तरह सिम्टम आते हैं, हैजे की तरह कहने के, हैजे में क्या होता है जैसे आंत में दिक्कत आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, वैसे ही इंसेक्ट में क्या है सूजन आने लग जाती है। देखिए हैजे की तरह आंत की बीमारी है जिसमें आहार नाल में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पलते हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना इनके एब्डोमेन के अंदर, उसमें क्या होती है आहार नाल के अंदर क्या है बहुत सारे बैक्टीरिया जो वो पलने लग जाते हैं, जिससे क्या होती है कि जो नॉर्मल एक सीक्वेंस जो होता है, या फिर बात करें नॉर्मल जितने भी एंजाइम वगैरह आहार नाल के अंदर रहते हैं वो सारे क्या है थोड़े से जो है इरेगुलेट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या है धीरे धीरे इसमें संख्या बढ़ती जाती है, ये ग्रो करते रहते हैं और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बैक्टीरिया पलते हैं बढ़ते हैं और आंत की सामान्य प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ये बैक्टीरिया है, दो इनकी वजह से इनकी जो है विभिन्न जातियों द्वारा। दूसरा सोटो डिजीज को बोलते हैं जो बीटी की वजह से, बीटी बैक्टीरिया जो होता है बेसिलस थ्यूरिजेंसिस की विभिन्न प्रजातियों द्वारा होता है। इन बैक्टीरिया के स्पोर, इनके जो स्पोर्स होते हैं बीजाणु जो होते हैं वो क्या है टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जो है विषैले यौगिक क्या है प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं इंसेक्ट की आंत के अंदर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बीटी कहाँ अटैक करता है आपने सुना होगा, तो ये क्या करता है जहाँ पे एल्केलाइन जो मीडियम होता है, एल्केलाइन का मतलब क्या हो गया क्षारीय, जहाँ पे
क्षारीय, कहने का मतलब थोड़ा सा पीएच जो है गट का अंदर से इंसेक्ट के वो ज़्यादा होना चाहिए, और नॉर्मली ज़्यादा ही होता है, तो इसकी वजह से ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। देखिए इस बैक्टीरिया के स्रोफ के स्पोर्स जो है टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करते हैं जो आंत के क्षारीय, ये देखिए आ गया ना, क्षारीय रस में घुलकर गैस्ट्रिक वॉल जो होती है उसमें शोषित होकर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक वॉल में क्या है पीएच हाई होने की वजह से बीटी वहाँ पे ग्रो करता रहता है, और फिर ये क्या है वहाँ से कहाँ पे जो नर्वस सिस्टम जो होता है इंसेक्ट का, तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको प्रभावित करता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है अंत में लकवा हो जाता है, या जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, तो इंसेक्ट क्या है नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी वो कम हो जाती है, इवन क्या है उसकी डेथ तक भी हो जाती है। फिर एक चीज़ होती है बैक्टीरिया की वजह से, आपने सुना होगा सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया किसको बोलते हैं, ब्लड पॉइजनिंग को, ब्लड पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं सेप्टिसीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोक्सी या फिर स्टेफाइलोकोक्सी, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी जातियों द्वारा ये क्या करते हैं इंसेक्ट के अंदर अगर कोई घाव वगैरह हो गया है तो वहाँ से क्या है ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद धीरे धीरे क्या करते हैं ब्लड की ऑक्सीजन जो होती है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए बैक्टीरियल डिजीज हो गए, और ये है किस में रिलेटेड है ना, सारे के सारे जो है फ्लैचरी के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने अभी बात की थी ना कि कुछ तो बैक्टीरियल कहते हैं, कुछ कहते हैं कि काइक, तो सेकंड भी आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है काइक या फिजियोलॉजिकल डिजीज, ठीक है, इसमें क्या है फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या, सीधी सी बात है कि कोई ना कोई चीज़ की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से क्या नॉर्मल उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, उपापचय क्रियाएं जो होती है वो प्रभावित होती है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे इंसेक्ट कमज़ोर हो जाता है, वीक होने लगता है, और अंत में इवन उसकी डेथ तक भी हो जाती है। तो देखिए रेशम कीट के कमज़ोर होने के कारण उपापचय क्रियाएं घट जाती है, फलस्वरूप शरीर निष्क्रिय हो जाने के कारण संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक्टिव नहीं रह पाता, यानी कि अगर उसके अंदर प्रॉपर पावर नहीं होगी तो क्या होगा वो प्यूपा जो है वो नहीं बन पाएगा, यानी कि कहने का मतलब कोकून नहीं बनाएगा, जिससे क्या है कि उसके ऊपर हमें तो वही चाहिए कोकून ही तो चाहिए, वही तो बना होता है रेशम के धागों का, तो वो प्रॉपर नहीं बन पाता है। फिर देखिए सिम्टम्स, इसके लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, तो उपरोक्त सभी बीमारियां कुछ सामान्य लक्षण प्रदर्शित करती है, उपरोक्त सभी का मतलब क्या हो गया यानी कि इसमें फिजियोलॉजिकल भी आ गया, आपका सेप्टिसीमिया भी आ गया, अदर जो बैक्टीरियल डिजीज है वो सारी भी आ गई, जिसमें क्या है वृद्धि के साथ साथ कीट सुस्त यानी कि एक्टिविटी जो है उनकी कम हो जाती है, उनके शरीर की चमक समाप्त हो जाती है, ब्राइटनेस जो होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, रक्त परिसंचरण अनियमित हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी कि किसी पार्ट में तो हो रहा है और किसी पार्ट में नहीं हो रहा है, तो लकवा या फिर पैरालिसिस वाली शिकायत हो जाती है, शरीर से तरल पदार्थ निकलता है, निर्मोचन की त्वचा। अब देखिए एक तो बॉडी से क्या होगा लिक्विड बाहर आएगा, बॉडी से क्या है लिक्विड निकलने लग जाएगा, फ्लूड जो है वो बाहर आने लग जाएगा माउथ वगैरह से, ठीक है, इसके साथ साथ क्या है जब मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग जब होती है इसके अंदर उस समय क्या होता है इंसेक्ट क्या करता है अपनी पुरानी त्वचा को हटा देता है, उसकी जगह पे नई त्वचा आ जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा इस डिजीज में कि वो पुरानी त्वचा को प्रॉपर तरीके से नहीं हटा पाता है, जिसकी वजह से क्या है उसके कुछ पार्ट्स जो है बॉडी के ऊपर चिपके हुए रह जाते हैं। देखिए त्वचा में त्वचा ठीक प्रकार से नहीं गिरती है, कई बार इसके टुकड़े शरीर से चिपके रहते हैं, अंत में लार्वा की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर जो है वो क्या है कोमल यानी कि सॉफ्ट और कलरलेस रंगहीन जो है हो जाता है। तो ये सारे क्या इसके सिम्टम हैं। इसके बाद देखिए वाइट फ्लेचरी, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है वायरस की वजह से, कौन से वायरस की वजह से, CPV, CPV किसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, जैसे NPV होता है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, वैसे ही साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस CPV जो होता है इसकी वजह से होता है वाइट फ्लेचरी, जो क्या होता है अनुत्तम यानी कि इन्फीरियर अच्छी क्वालिटी की जो लीफ नहीं होती, या बात करें जो थोड़ी सी क्या है घटिया क्वालिटी की लीफ होती है उनको खिलाने के कारण क्या होती है इंसेक्ट के अंदर पैदा होती है। वायरस प्राय क्या है जो लार्वा होता है इसका उसी को ग्रसित करता है, प्यूपा और एडल्ट जो होता है उसको ज़्यादा करता है, यानी कि कभी कभी ही प्रभावित करता है, मेनली जो इसकी स्टेज होती है वो कौन सी होती है लार्वा स्टेज होती है जिस पर ये अटैक करते हैं। यदि रोगग्रस्त लार्वा को विच्छेदन किया जाए, यानी कि अगर रोगग्रस्त लार्वा कोई डिजीज लार्वा है आप उसको खोल के देखोगे, यानी कि उसकी जब बॉडी को आप काटोगे तो आप क्या देखोगे कि
जो मध्यांत्र उसकी जो होती है, आंख जो होती है वो सफेद और अपारदर्शी दिखाई देती है, ठीक है, जो कि स्वस्थ लार्वा में क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। यानी कि अगर कोई अनडिजीज्ड यानी कि नॉर्मल जो लार्वा है उसके अंदर ये कैसी होती है, ग्रीन कलर की, और अगर आप इसको देखोगे डिजीज लार्वा में तो ये क्या होगी, सफेद कलर की या फिर वाइट कलर की, ठीक है। अब देखिए फिर है नियंत्रण या मैनेजमेंट कंट्रोल इसका, तो कीट पालने का कमरा तथा उपकरण आदि को रोगाणु रहित करने, सब में एक चीज कॉमन है कि हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए कीट की विभिन्न अवस्थाओं के लिए उपयुक्त तापक्रम यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो प्लस ह्यूमिडिटी नमी जो है उसको नियंत्रित करके रखना है। इसके साथ देखिए अच्छी किस्म की सहतूत की ताजी पत्तियाँ यानी कि लीफ जब हम फीड करवाते हैं सहतूत, देखिए इसकी जब रेशम कीट का पालन जब करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको जो लीफ हम खिला रहे हैं वो स्वस्थ हो प्लस क्या है ताजी हो, यानी कि पुरानी लीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इसकी रेयरिंग जब होती है तो वहाँ पे आसपास क्या होना चाहिए, सहतूत की खेती होना आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं के लिए उपयुक्त हो खिलाने के लिए दी जाए, स्वस्थ अंडे लिया जाए यानी कि अच्छी क्वालिटी के एग्स जो है सीड हम जिनको बोलते हैं वो लेना चाहिए, किसी अच्छी जगह से गवर्नमेंट संस्था से लेनी चाहिए, ठीक है। तथा लार्वा को लू से बचाना चाहिए यानी कि गर्मी से हमें क्या है उसको बचाना है। शुद्ध वायु के आवागमन का प्रबंध रखा जाए और समय समय पर चूने का छिड़काव किया जाए। तो ये सारे क्या है मैनेजमेंट है इसके, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से जो है कंट्रोल मेजर्स हैं। अब फिर देखिए नेक्स्ट है ग्रेसरी डिजीज। ग्रेसरी डिजीज में देखिए क्या है, ये वायरस जनित बीमारी है, ये भी क्या वायरस जनित बीमारी है जो क्या है बोरेलिना वायरस जो है इससे फैलती है। इसकी वजह से रेशम कीट के लार्वा शरीर में, लार्वा के शरीर में यानी कि जो इसकी लार्वा या फिर कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर जो होता है उसकी बॉडी के अंदर क्या है पॉलीहेड्रल बॉडीज जमा हो जाती है। इस वायरस की पॉलीहेड्रल बॉडीज जमा हो जाती है, इन बॉडीज, ये बॉडीज जो है क्या विभिन्न ऊतकों जैसे उसकी आउटर स्किन होगी, बाहरी त्वचा होगी, फैट बॉडीज होगी, ठीक है, या ट्रेकियल मैट्रिक्स हो गया यानी कि श्वसन वाला जो तंत्र है वहाँ पे, या फिर ब्लड जो है उसकी सेल्स के केंद्रक में बढ़ती है, इन सब के, ये वायरस जो होता है कहने का मतलब ये क्या है इंसेक्ट के अंदर उसके ब्लड में, ट्रेकियल सिस्टम में, या फिर बात करें उस इन सब की सेल्स जो है फैट बॉडीज होगी तो उनके सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये ग्रो होता है। इस बीमारी का संक्रमण प्राय मुख द्वारा यानी कि क्या होता है ये वायरस एंटर कहाँ से होता है, माउथ के द्वारा, ठीक है, तथा घाव द्वारा कभी कभी ही होता है। मेनली देखिए दो चीज़ें होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं इंजेस्टेड टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो क्या है पेनीट्रेटिंग टाइप के होते हैं। पेनीट्रेट का मतलब क्या होता है भेदना, तो फंजाई और निमेटोड जो होते हैं ये क्या होते हैं पेनीट्रेट नेचर के होते हैं, बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या होते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंजेस्टेड टाइप के होते हैं। इंजेस्टेड टाइप का मतलब क्या है, वो बॉडी के अंदर फूड के थ्रू या किसी माध्यम से बाहर के वातावरण से क्या अंदर बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, तो ये भी ऐसा ही है। अब इसके सिम्टम देखिए, प्रारंभिक अवस्था में बीमारी के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं होते परंतु ग्रसित लार्वा जो होगा वो क्या है सुस्त दिखाई पड़ता है, खाना कम खाता है। प्रथम लक्षण के रूप में खंडों के बीच अंतरखंड, खंडों का मतलब क्या हो गया अंतरखंड क्षेत्र में सूजन दिखाई पड़ती है, यानी कि बॉडी जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स में बटी होती है। अब जैसे बात करें एब्डोमेन की, ठीक है, तो एब्डोमेन में क्या है 6-7 खंड होते हैं, तो एब्डोमेन के बीच में जितने भी ये खंड हैं इनके बीच में क्या होती है सूजन आ जाती है, तो बॉडी क्या है थोड़ी सी हमें अलग सी दिखाई देती है। त्वचा बहुत पतली महीन तथा चमकीली हो जाती है और लार्वा चंचल परेशान सा दिखाई देता है। तो ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा देखिए त्वचा जो है टूटने लग जाती है, रप्चर होने लगती है, त्वचा टूटने लगती है और स्थान स्थान पर मवाद पड़ जाते हैं यानी कि क्या हो जाता है घाव बन जाते हैं जगह जगह पर। बीमार लार्वा रोगों से लड़ने की क्षमता, अब देखिए बीमार जो लार्वा होगा यानी कि ग्रसित जल लार्वा होगा उसकी डिजीज से लड़ने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ उसकी क्या होती है जो लास्ट जोड़ी टांग्स होती है। देखिए उसमें इंसेक्ट में लेग्स कितनी होती है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है ना, तो जो हाइंड लेग्स होती है पीछे वाली जोड़ी जो टांग होती है सिर्फ वही जो है एक्टिव रहती है थोड़ी बहुत, और उन्हीं की मदद से ये क्या है नीचे की तरफ लटके रहते हैं, ठीक है, उन्हीं की सहायता से क्या होते हैं नीचे की तरफ उल्टा लटके रहते हैं। लार्वा की बात करें तो देखिए लार्वा में दोनों तरफ एक तो उसके ट्रू लेग्स थोरेक्स
थोरेक्सिक जो पार्ट पे होती है, थ्री पेयर होती है। इसके अलावा क्या होता है, सूडोलेग्स भी होती है। सूडोलेग्स आभासी जो टांगे जिनको बोलते हैं, यानी कि जो मोल्टिंग के बाद एडल्ट निकलता है उसमें गायब हो जाती है। तो इसमें सिर्फ जो लास्ट वाली लेग्स होती है एक पैर, बस वही क्या रहती है, एक्टिव रहती है, और उसी की सहायता से ये क्या है, उल्टा लटका हुआ रहता है। ये इसकी पहचान के लक्षण है। फिर यह बीमारी चौथी बार त्वचा निर्मोचन करने वाली लार्वा में अधिक होती है, यानी कि सीधी सी बात है, फोर्थ मोल्टिंग के बाद, यानी कि फिफ्थ इंस्टार का जो लार्वा होता है, जब ये सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करता है उस समय क्या है, इसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। कई बार त्वचा निर्मोचन की क्रिया रुक जाती है, यानी कि मोल्टिंग जो होती है वो प्रभावित होती है, ठीक है। मोल्टिंग की जो क्रिया है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। इसकी वजह से क्या है, त्वचा जो है कई बार चेंज नहीं हो पाती और लार्वा पहले ही मर जाता है। फिर देखिए इसके मैनेजमेंट की बात करें, कंट्रोल की, तो तापक्रम नियंत्रित रखा जाए तथा लार्वा को घाव मुक्त रखा जाए, क्योंकि घाव के द्वारा भी एंट्री होती है ना। तो सबसे पहली बात तो ये, तो सब डिजीज में मान के चलो आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस ऑप्टिमम ही क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इनके लिए आवश्यक कितना है, 25 से 27 28 डिग्री तो लगभग तापमान, और लगभग 70 से 85 डिग्री तक, सॉरी 70-85% तक ह्यूमिडिटी जो है वो आवश्यक होती है। तो ये क्राइटेरिया जो है ये क्या है, हमें ध्यान रखना है कि कम से कम ये जो है ऑप्टिमम, इनसे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या है, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की डिजीज या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखाई देने लग जाएगा। तो देखिए, कीट पालने का कमरा, इनका जो रेयरिंग जहाँ पे हाउस बनाए जाते हैं, तथा उपकरणों आदि को कीटाणु रहित कर लेना चाहिए, निर्मिगत कर लेना चाहिए। ब्रशिंग से पहले, ब्रशिंग जब करते हैं, यानी कि एग से क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा मटेरियल जो हटाते हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए, अंडों को उपचारित कर उनको डिजीज से, यानी कि जो पैथोजन या कीटाणु जो लगे हुए उससे रहित कर लेना चाहिए। वायु प्रवेश का उचित प्रबंध रखना चाहिए, और कीटों को अच्छी किस्म की पत्तियां जो है वो खिलाई जानी चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है मस्कार्डियन डिजीज। अब ये डिजीज जो होता है ना, ये देखिए ये होता है फंगस की वजह से, सुना होगा आपने पहले भी, फंगस की वजह से होते हैं। ये फंगस अलग अलग होते हैं, कुछ वाइट फंगस होता है, ग्रीन फंगस होता है, येलो फंगस होता है, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये क्या है, फंगस की वजह से होता है। और फंगस की मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक तो फंजाई और एक नेमेटोड, ये दो ऐसे हैं जो कि किस टाइप के होते हैं, पेनिट्रेटिंग, यानी कि त्वचा को भेद कर उसके अंदर इंटर होते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक कॉमन जो है हो जाएगा, डिजीज का नेचर हो जाएगा जो भी पैथोजन है उसका। यह बीमारी कवक जनित, कवक यानी कि फंगस जनित होती है, जिससे विभिन्न कवक, अब ठीक है, जिससे विभिन्न कवक कौन कौन से, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना हो गया, ये फंजाई है, इसको क्या बोलते हैं, वाइट मस्कार्डियन फंगस बोलते हैं। अब ये कई बार क्या है, नाम पूछ लेते हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें, कि वाइट मस्कार्डियन फंगस जो है वो इनमें से कौन सा है, तो बाकी सब के आपको नाम दे देंगे। इसके अलावा जो है देखिए, स्पाइकेरिया परसिना, इसको बोलते हैं ग्रीन मस्कार्डियन। इसके अलावा एक जो होता है मेटाराइजियम एनाइसोपली, वो भी क्या होता है, ग्रीन मस्कार्डियन फंगस ही होता है। इसके अलावा एस्केरिया फेरिनोसा, ये जो होता है इसको येलो मस्कार्डियन बोलते हैं। ये सारे फंगस हैं जो इस डिजीज को फैलाते हैं। उनको पहचानने के लक्षण देखिए, इनके कलर से ही है कि जब लार्वा ग्रसित होकर अंत में मर जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इनकी बॉडी पूरी तरह वायरस की जो, सॉरी फंजाई जो होता है, उस फंजाई की बॉडी से, हाइफी से क्या पूरी तरह कवर हो जाती है। अब वो अगर वाइट कलर की है तो इसका मतलब क्या है, वो ब्यूवेरिया है, अगर येलो कलर की है तो वो दूसरी फंगस है। तो इस प्रकार उसको हम से अच्छे से पहचान सकते हैं। इन कवकों के तंतुओं, जो फिलामेंट्स होते हैं इनके, का जाल त्वचा में प्रवेश कर, देखिए त्वचा में, यानी कि ये क्या करते हैं, बॉडी वाल से इसकी जो क्यूटिकल होती है बाहर से इसके अंदर क्या है, प्रवेश करते हैं, शरीर के अंदर उत्कों में फैल जाते हैं एवं शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलते हैं। ये शरीर के अंदर पेशीय तंतु तंत्र, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उत्तक, प्लस मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स जो होती है उत्सर्जन के जो काम आती है, तथा सिल्क ग्लैंड जो होती है, इन सभी को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये जारे जितने भी फंजाई है। अब इसके सिम्टम देखिए,
ग्रसित सुंडियाँ, सुंडियाँ यानी कि कैटरपिलर, ग्रसित सुंडियाँ ढीली यानी कि लूज हो जाती है तथा कोमल हो जाती है, लार्वा को दस्त तथा उल्टी यानी कि जो हम बोलते हैं जिसको डायरिया, डायरिया हो जाता है आदि होने लगती है। इससे क्या होगा, एक तो भूख कम लगेगी, प्लस क्या है सारा फ्लूड जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। उनको भूख कम लगती है, त्वचा में विशेष प्रकार के छिद्र हो जाते हैं, शरीर में ऐंठन आ जाती है, गतिशील हो जाते हैं और अंत में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे इसके क्या है सिम्टम्स हैं इस डिजीज के, कि अगर फंजाई से ग्रसित है तो कौन कौन से सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। फिर देखिए, मरने के तुरंत बाद जब उसकी डेथ हो जाती है लार्वा की, उसके बाद देखिए तुरंत बाद लार्वा की त्वचा मुलायम हो जाती है तथा 8 से 10 घंटे बाद ठोस सफ़ेद तथा कठोर हो जाती है। पर्याप्त अगर इसको क्या है ह्यूमिडिटी मिल जाए, प्रॉपर पर्याप्त नमी मिलने के बाद क्या होता है, मृत्यु से पहले कीट का शरीर जो है वो कवकों के सफ़ेद स्पोर से ढक जाता है। अब ये सफ़ेद का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्यूवेरिया बेसियाना जो है वाइट फंगस उसका अटैक हो रहा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए लार्वा है ये किल हो गया, तो इसके बाद इसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह क्या होगी, ब्लैक, बाहर से आपको वाइट कलर की दिखाई देगी, यानी कि वाइट इसके स्पोर्ट्स जो है वो पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में देखिए क्या है, कीट पालने का कमरा, सभी उपकरणों आदि को 2 से 4% थर्मल इनके घोल से क्या करते हैं, उपचारित करके इनको विसंक्रमित या संक्रमण रहित कर लेते हैं। मरे ग्रसित कीटों को जला देना चाहिए। प्रकाश तथा शुद्ध वायु की अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए, यानी कि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए, वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए। प्लस क्या है, समय समय पर कमरों में गंधक का धुआं यानी कि सल्फर जो है का धुआं रखना चाहिए, करना चाहिए, जिससे क्या होता है फंजाई वगैरह जो है उनका आक्रमण नहीं हो और उनको हम क्या है किल कर सकें। फिर देखिए है गेटाइन डिजीज, ये जो होती है ये देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है उनके द्वारा फैलती है। इसमें क्या है, जो यंग लार्वा जो होते हैं यानी कि अर्ली इंस्टार के जो लार्वा होते हैं, अर्ली इंस्टार होते हैं जो लार्वा के, वो क्या करते हैं अधिक ग्रसित होते हैं, कीट भोजन कम करते हैं तथा उनके शरीर का अग्रभाग अर्ध पारदर्शक दिखाई देता है। ये सारे क्या सिम्टम्स हैं कि अगर गेटाइन डिजीज उसमें हो रखा है तो उसके कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना। किससे होता है, एक तो अल्ट्रावायलेट रेज से प्लस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा। कभी कभी कीटों के शरीर में रंगहीन तरल पदार्थ निकलने लगता है यानी कि फ्लूड जो है वो बॉडी से बाहर आने लगता है। इससे बचने के लिए सफाई का ध्यान रखें तथा प्रकाश और हवा का आवागमन रखना चाहिए। सब डिजीज में कॉमन चीज़ है, आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना है, प्लस वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। फिर देखिए कोल्ट डिजीज, यह बीमारी भोजन में कुछ आवश्यक तत्वों की कमी के कारण यानी कि डेफिशिएंसी की वजह से होती है, न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी है भोजन में, लीव्स में, उसकी वजह से होती है, जिसके कारण लार्वा प्यूपा में तो बदल जाता है परंतु कोकून नहीं बनता। लार्वा प्यूपा में तो बदल जाएगा पर उसका कोकून नहीं बनेगा, अब कोकून नहीं बनेगा तो हमें क्या है सिल्क प्राप्त नहीं होगी। ग्रसित प्यूपा आकार में कीट से काफ़ी छोटा होता है, इस कारण वयस्क अविकसित रह जाते हैं, यानी कि अगर इसका साइज पूरा नहीं बनेगा तो उसके अंदर एडल्ट जो है वो क्या रह जाएंगे, अविकसित रह जाएंगे। इस रोग से बचने के लिए कीटों को उत्तम प्रकार की पत्तियां, यानी कि इसमें सीधी सी बात है भोजन में न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको अच्छी क्वालिटी का फूड विद क्या है प्रॉपर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के साथ हम क्या करते हैं इसको प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ रेशम कीट के कुछ शत्रु यानी कि एनिमीज हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, जो क्या है इसको नुकसान पहुँचाते हैं। ये तो डिजीज की बात थी, तो इसमें देखिए सबसे पहली है यूजी फ्लाई, ठीक है, ये जो मक्खी होती है ये सबसे ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। देखिए ट्राइकोलाइगा बॉम्बेसिस इसका नाम होता है, यह रेशम कीट पर परोपजीवी, अब परोपजीवी का मतलब क्या है, पैरास्टोइड, पैरास्टोइड के रूप में रहती है, ठीक है, परजीवियाप जिसको बोलते हैं उसके तौर पर रहती है। ये क्या करती है, देखिए ये मक्खी जो है रेशम कीट के लार्वा के ऊपर अंडे देती है, यानी कि ये क्या करती है उसके लार्वा के ऊपर अंडे देगी। अब इससे जो मैगेट निकलेंगे इसके एग से, यूजी फ्लाई के, ये क्या करते हैं इस लार्वा के शरीर को फीड करते रहते हैं, खाते रहते हैं।
जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मक्खियों से बचने के लिए देखिए क्या करते हैं, खिड़की दरवाजों रोशनदान आदि जो है इनमें क्या करते हैं, जो मक्खी रोधक जाली है वो लगा देनी चाहिए। इसके बाद सेकंड है एंट्स या चींटियाँ, ठीक है, तो चींटियाँ भी बहुत नुकसान पहुँचाती है। ये क्या करती है, जो हम स्टैंड रखते हैं जिसके ऊपर रेयरिंग ट्रे रखी जाती है, ये क्या करती है, उन पायों की सहायता से ऊपर चढ़ के और उनके जो एग्स वगैरह होते हैं या लार्वा होते हैं उनको खाते रहते हैं। देखिए चींटियाँ भी काफ़ी क्षति पहुँचाती है, रेयरिंग ट्रे में या लार्वा पर आक्रमण करती है, अतः रेयरिंग ट्रे स्टैंड में इससे बचने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये स्टैंड है इसके चार जो पाए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन पायों के नीचे किसी बर्तन में पानी डाल के रख देते हैं, या तो पानी या पानी के साथ मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं ताकि इसके थ्रू ऊपर नहीं चढ़ पाए। इससे क्या है, दिमाग का भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैंड के पायों के नीचे किसी बर्तन में पानी डालकर रखना चाहिए, पानी में मिट्टी का तेल भी मिलाया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लास्ट है बीटल्स, ठीक है, डर्मिस्टस कोडिबेरिनसिस, ये क्या है, बीटल है जो कि क्या इसको नुकसान पहुँचाता है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का। इसके ग्रब तथा एडल्ट दोनों ही नुकसान पहुँचाते हैं, यह एग कोकून तथा प्यूपा स्टेज जो होती है इनको डायरेक्ट फीड कर जाते हैं, यानी कि एग हो गया, इसका कोकून जो हो गया, प्लस क्या है इसका प्यूपा स्टेज जो होती है, इनको क्या करते हैं, फीड करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए रेशम पालन गृह की उचित सफाई रखनी चाहिए तथा आसपास कार्बनिक पदार्थों का ढेर न हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बीटल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फिर देखिए छिपकली, चूहे, गिलहरी, चिड़िया आदि, ये सब भी क्या है, इसमें नुकसान पहुँचाते हैं, ये लार्वा को खाते हैं, परंतु जो चूहा और गिलहरी है ये क्या करते हैं, कोकून जो ये बनाते हैं, ठीक है, ये जो कोकून बनाते हैं, मान लीजिए ये कोकून है, तो इसको भी क्या करते हैं, जगह जगह से काट देते हैं और फिर इसके प्यूपा जो होता है उसको फीड कर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए भी, जैसे चूहा है तो उसके लिए जिंक फॉस्फाइड की टेबलेट वगैरह होगी, वो होगी, प्लस क्या है देखिए, अगर चिड़िया वगैरह गिलहरी है तो उनको भगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, या तो पॉइजन बाइट यूज़ करते हैं, यानी कि जहरीला भोजन यूज़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो चिड़िया वगैरह को भगाने के लिए क्या है, फायर क्रैक्स जो होते हैं, पटाखे वगैरह, उनका यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके डिजीज़ और एनिमी सारे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, तो आपका रेशम कीट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा देख लेंगे कुछ बचा हुआ होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट जो इंसेक्ट है बेनिफिशियल लेक इंसेक्ट, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।